इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटक में सियासी आंधी चल रही है और इस आंधी में जेडीएस कांग्रेस हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। मौजूदा हुकूमत के कुल 11 रुकन असेंबलियों ने इस्तीफा पेश किया है। बहुत अहम खबर है, कांग्रेस के 8 और जेडीएस के 3 एमएलएज ने बगावत करते हुए इस्तीफा पेश किया है, जिससे सियासी भूचाल आया हुआ है। क्या कर्नाटक में भी बन सकती है बीजेपी की सरकार? यह एक सवाल है और इसका जल्द जवाब मिलेगा अवाम को। अमित शाह के इशारे का शायद इंतजार है। वाज़ह रहे कि 12 जुलाई को असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, जिसमें भाजपा कायद येडियुरप्पा कुमारस्वामी के खिलाफ नाकाबिले एतमाद वोट पेश कर सकते हैं। यकीनन यह ऑपरेशन कमल का ही हिस्सा है, पर बीजेपी का येडियुरप्पा ने इसका इनकार किया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस्तीफा देने वालों में कांग्रेस के वफादार अरकान जो भाजपा की गोद में जाकर बैठे हैं, उसमें खानापुर से कांग्रेस पार्टी से जीत कराई रुकन असेंबली मोहतरमा अंजलि निम्बाड़कर भी अब बागियों की कतार में जाकर खड़ी है। तमाम बगावत की शुरुआत वाज़ह रहे कि गोकाक के रमेश जारकीहोली से शुरू हुई थी। गोकाक रुकन असेंबली रमेश जारकीहोली और कांग्रेस का डी के शिव कुमार का इख्तलाफ था, जिसका नतीजा यह हुआ कि रमेश जारकीहोली को कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा। कई सारे बड़े कांग्रेसी नेताओं ने और कायदीन ने रमेश जारकीहोली को समझाने की कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। पहले तो सिर्फ 3 लोग ही बाहर आए थे, पर आज कर्नाटक कांग्रेस के हालात संगीन नजर आ रहे हैं। आज इस्तीफा देने वालों में साबिक वजीर रामलिंगा रेड्डी, बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन सोमेश्वर और बी बसवराज जैसे दिग्गज लीडर भी इसमें शामिल है। जब से कांग्रेस जेडीएस की हुकूमत बनी है, इसमें इत्तेहाद की कमी पाई गई। भाजपा हमेशा साम दाम दंड भेद और दिगर पैंतरे इस्तेमाल करता आया, और ख़ासकर कांग्रेस में नज्म व जब्त न होने की, यानी कि डिसिप्लिन न होने की बिना पर कांग्रेस और जेडीएस के कई सारे रुकन असेंबली अब भाजपा के खेमे में नजर आ रहे हैं। जेडीएस कांग्रेस में रस्साकशी चलती रही और इसी का फायदा भाजपा ने उठाया। फूट डालो और हुकूमत करो का पैंतरा इस्तेमाल करते हुए वजारत और पैसे के लालच ने कर्नाटक जेडीएस कांग्रेस हुकूमत को बेबस बना दिया है। कुल 224 रुकन असेंबली से 11 इस्तीफा देते हैं तो 215 रह जाते हैं। 208 तक लाने के लिए अभी 8 की जरूरत है। बीजेपी को वाजह रहे कि और अभी भी 8 रुकन असेंबलियों की जरूरत है। खैर, हुकूमत तो गिर जाएगी, पर अवाम को सोचना होगा कि क्या जिन कायदों को हमने अपना कीमती वोट देकर जिताया था, अवाम के वोटों का सौदा कर जो चाहे पार्टियों में अपने मुफाद के लिए जाते रहेंगे क्या? फिरका परस्त पार्टियों को हुकूमत से रोकने के लिए जेडीएस कांग्रेस इत्तेहाद हुकूमत बनाई गई। कांग्रेस जेडीएस लीडरों को वोट इसलिए दिया गया था कि तुम फैसिस्ट ताकतों के खिलाफ सेक्युलर विचारधारा को जिंदा रखने के लिए पंजा आजमाई करो, पर अफसोस आवाम को चाहिए कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाए जो आवाम के वोटों का सौदा करते रहेंगे। अब मंगल के रोज गवर्नर के सामने कुमारस्वामी के खिलाफ नाकाबिले एतमाद वोट पेश किया जाएगा। तब तक के लिए तमाम रुकन असेंबली किसी 5 सितारा होटलों में मौज करते रहेंगे। बंबई, गोवा या चेन्नई के होटलों में रखा जाएगा, लिहाजा आवाम को एक और तमाशा देखने का मौका मिल चुका है और तमाशा जारी है। अपने कायद फिर सौदेबाजी कर रहे हैं, वरना तुम बताओ कि आखिर एक हुकूमत बनती है जो धर्म के नाम पर नफरत का जहर घोलने वालों के खिलाफ, लेकिन वजारत और दौलत के सामने तमाम विचारधारा सोच और फिक्र नाकारा साबित होती दिखाई देती है। देखना है कि जेडीएस कांग्रेस हुकूमत का खेल कर्नाटक में कब खत्म होता है। सभी की नजरें, पूरे देश की नजरें कर्नाटक में चल रहे नाटक पर है कि आखिर
कर्नाटक के इस नाटक पर पर्दा कब गिरता है। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।